दिखाई देंगे एक्टर मुरली शर्मा। किस एक्टर की A21 में हो सकती है एंट्री? कहते हैं ना, फिल्म की सक्सेस के पीछे किसी कैरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसके कारण फिल्म में 4 चांद लग जाते हैं। हमारे इस लाइन का मतलब है कि वो मेन लीड में तो नहीं होते हैं, पर सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं, जिन्हें फिल्म का बैकबोन का दर्जा मिलता है, भले वो सपोर्टिंग कैरेक्टर हो या विलन ही क्यों ना हो। अब कई ऐसे स्टार्स हैं साउथ इंडस्ट्री के, जैसे कि ब्रह्मानंद, नसर, प्रकाश राज, मुरली शर्मा, शायद आप सबको जानते नहीं होंगे, बट अगर आप फिल्में देखोगे इनकी तो आपको समझ आ ही जाएगा। और तो और, हंसते हंसते आप क्रेजी हो जाओगे, क्योंकि इनकी फिल्में हमेशा इंटरेस्टिंग होती है और इनका कैरेक्टर भी हमेशा अलग ही बताया जाता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपकी हूँ सितांशी कोठारी और स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं A21 फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग खबरों पर। एक्साइटमेंट को ऐसे ही बरकरार रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम इन स्टार्स की इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आप भी जाने कि जो अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म है A21, उसमें उनके अलावा और कितने अच्छे अच्छे स्टार्स आने वाले हैं और वो वाकई में बड़ा अच्छा माहौल भी क्रिएट करेंगे। अब ये फिल्म A21 जो प्योरली साउथ की फिल्म होगी, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं सिवा कोरातारा, जिन्होंने जनता गराज जैसी फिल्में बनाई है। अब ये अल्लू अर्जुन एंड पूजा हेगड़े स्टार एक सोशल इश्यू पर बेस्ड फिल्म होगी, जिसमें एकदम टिपिकल गांव की स्टोरी बताई जाएगी, जस्ट लाइक सिवा स्टाइल। दोस्तों, ये फिल्म सबसे डिफरेंट होगी, ऐसा मेकर्स का दावा है। तो देखते हैं अब आने वाले टाइम में क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब इनके साथ साथ अल्लू अर्जुन की फिल्म अल्लाह वैकुंठ तिरुमला में एक एक्टर थे जिनका नाम है मुरली शर्मा, वो भी नजर आएंगे A21 में, जिन्होंने काफी सारी जबरदस्त फिल्में की है बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी और तो साउथ में भी, जैसे कि श्याम सिंह रॉय, गोलमाल, डीजे। अब इसमें से शायद आपको एक आध मूवी का नाम नहीं पता होगा, तो दोस्तों वो इसलिए है क्योंकि वो टॉलीवुड की फिल्में हैं। दादी सारी फिल्में टॉप नंबर की है टॉलीवुड में भी। और अब देखा जाए तो एक्टर मुरली शर्मा का अल्लू अर्जुन के साथ तीसरी बार कोलैबोरेशन होने वाला है, क्योंकि डीजे फिल्म में भी अल्लू अर्जुन ही थे उनके साथ। अब जब से मुरली शर्मा को इस फिल्म के बारे में पता चला है, वो काफी एक्साइटेड है काम करने के लिए। अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज देखेंगे तो दिखेगा कि वो कितनी तारीफ करते हैं अल्लू अर्जुन की और अल्लू उनकी, दोनों एक दूसरे को हार्ड वर्किंग बोलते हैं। अब बॉन्डिंग तो काफी अच्छी लग रही है इनके इंटरव्यूज देखकर। और अल्लाह वैकुंठ तिरुमला फिल्म में मुरली शर्मा को फिल्म का बैकबोन बोला गया था, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल था। तो क्या A21 में भी ऐसा ही कुछ होगा? अगर होगा तो कैसा रोल होगा, विलन या कॉमेडी वाले? क्योंकि जितनी भी फिल्में की है उसमें से दोनों किरदार निभाए हैं उन्होंने एंड दोनों में एकदम जबरदस्त सूट भी करते हैं। तो देखते हैं अब आने वाले टाइम में कौन से किरदार में दिखेंगे। आप क्या चाहते हैं, कितना फन क्रिएट करेंगे या दहशत फैलाएंगे, ये तो आने वाले टाइम में समझ ही आ जाएगा हमें। दोस्तों, धीरे धीरे सबकी एंट्री हो रही है और हम मुरली शर्मा के साथ साथ एक और नामी कैरेक्टर पोसानी कृष्ण मुरली भी नजर आएंगे, जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस जोड़ी को फिर से साथ देखने के लिए, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर लौटेंगे एक अपडेट के साथ। थैंक यू।